नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक की मृत्यु होने पर शव ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके कारण परिजनों को चादर में उठाकर शव को पीएम हाउस तक ले जाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक युवक प्रकाश राउत 30 साल की जहरीली वस्तु के सेवन करने से उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक ने शनिवार की शाम में जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था, जिसके कारण उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी रात में मौत हो गई। चूंकि मामला संदिग्ध था, इसलिए शव का पीएम होना था। अस्पताल के कर्मचारियों ने कोरोना के डर से शव को हाथ नहीं लगाया, फलस्वरूप परिजनों ने काफी इंतजार किया और शव को नीचे जमीन पर रख दिया। लेकिन जब उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला तो उन्होंने शव को चादर में ही उठाया और पीएम हाउस तक ले गए। इस पूरे मामले पर बालाघाट जिला अस्पताल के सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मामले की पूरी जांच की जाएगी। मरीज की एक्सपायर हो गए थे, उसको स्ट्रेचर के नहीं मिला, उन्होंने चादर में लपेट के नहीं। ये तो वाकई में जिसने जिसकी तरफ से भी इस पे पूरा हम लोगों ने ध्यान दिया है, फिर काफ़ी लापरवाही है। स्ट्रेचर बहुत पर्याप्त मात्रा में जिला अस्पताल में उपलब्ध हैं, और अगर उस वार्ड में नहीं रहा होगा कोई मरीज, अगर शिफ्ट करने गया होगा, कई बार मरीज शिफ्ट करने जाता है तो गेट में छोड़ देता है, वहाँ पर कम से कम जो भी ड्यूटी पे स्टाफ था उसको सीट पर बराबर ध्यान देना था। इसके साथ ही जो लोग उसको जो अन्य अधिकारी वगैरह थे वहाँ पर, जो पीएम वगैरह की डिब्बी ले जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा देखना था। तो कुल मिलाकर के ये गलती जिसकी भी पाई जाएगी उसको हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कहीं कहीं लापरवाही है, बिल्कुल स्ट्रेचर की इतनी कमी नहीं है कि चद्दर में बांध के ले जाए कोई। एक्चुअली क्या हुआ होगा कि उन्होंने कमरे में अपने आसपास स्ट्रेचर देखा हुआ नहीं मिला होगा, तो वो हो सकता है कि सिस्टर जो वहाँ पर उपस्थित है, वार्ड बॉय, उन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसकी जाँच हम करके उसके ऊपर कार्रवाई।